इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्ले स्टोर पर अगर आपको पेंडिंग दिखाई देती है इस तरीके से जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो ये डाउनलोडिंग है वो हो नहीं पाती, तो सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए अगर पेंडिंग दिखाती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने चेक कर लीजिएगा मैनेजर्स डिवाइस में जाकर कि कोई सी ऐप यहाँ पर रन तो नहीं कर रही है। अगर रन कर रही है ठीक है तो वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगी, अगर यहाँ पर रन नहीं कर रही होगी तो फिर ये इशू बन जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तभी दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, ऐसे नहीं कि सारी एप्लीकेशन एकदम डाउनलोड हो जाएंगी, ये मेनली इशू क्रिएट होता है तब। उसके बाद आपको करना क्या होगा अगर ये जो है आपकी मतलब इशू नहीं है तो आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए उसके बाद आपको जो है यहाँ से बैक ला देना होगा एंड अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको। तो हम चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, डेट एंड टाइम पर जाने पड़ेगा और यहाँ पर यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर क्लिक कर देना होगा और टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके आपको लगा देना होगा। फिर यहाँ से आपको बैक लाना है और यहाँ पर जो है आपको ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और यहाँ पर डाउनलोड को सर्च कर देना है और यहाँ से इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लगा हुआ दिखाई दे तो सब पर टिक करके ओके कर दीजिएगा। फिर यहाँ से बैक ला दीजिएगा और यहाँ पर प्ले स्टोर में जाइएगा और यहाँ पर इसे खोल लीजिएगा और फोर्स स्टॉप करिएगा एंड रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर टिक करके लगा लीजिएगा सबको और डेटा क्लियर भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक लाइएगा और बैक ले आइएगा। सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क पर जाना है और यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा अगर ऑफ मिले तो इसको ऑन कर लेना है एंड अपने सिम में जाना है और यहाँ पर प्रेफर नेटवर्क टाइप को खोल लेना है, 2G पर लगा लेना है एंड फिर जो लेटेस्ट मिले उस पर लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना है एंड अपने फ़ोन को बंद करके खोल लेना है और प्ले स्टोर को दोबारा चालू करना है, तो अगर आपका कोई इशू होगा तो यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।